हेलो एवरीवन, दिस इज जतिन, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर फाइन एंड सेफ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो विद इन जस्ट 15 डेज। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए इफ दे रियली वांट टू स्कोर वेल। जैसे कि मैं आपको कई बार मैं बताया भी है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वहां पे आप दोनों टास्क चेक करवा सकते हो डेली। कभी कभार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टास्क जो होते हैं वो एक की बजाय, यानी कि एक टास्क वन एक टास्क टू के बजाय 5 या 6 भेज देते हैं, है ना। हालांकि ठीक है, चेक हो जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, राइट। आप इतने सारे टास्क लिखते हो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल डेफिनेटली फॉरगेट योर मिस्टेक्स। डेफिनेटली आप अपनी मिस्टेक्स भूल जाते हो। मतलब आपने एक टास्क लिखा, मैंने चेक करके आपको बता दी कि आपकी ये मिस्टेक्स है, ऐसी इसकी है, एक्टिव पैसिव की है ना, या आइडिया सही नहीं है, या कॉम्प्लेक्स गलत लगाया आपने, है ना। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट, आपकी जो मिस्टेक है बजाय कि आप उसके ऊपर वर्क करो, आप एक और टास्क तो छाप देते हो ही बोलूंगा आपको मैं, क्योंकि एक होता है कि समझ के लिखना, है ना, एक होता है कि चलो लिखते रहो यार। वर्क तब तक नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी मिस्टेक्स पे वर्क नहीं करोगे। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। लास्ट 2 या 3 मंथ्स की बात है, हमारे पास एक स्टूडेंट थी, उसके 7.5 बैंड आए हैं राइटिंग में, मैंने शेयर भी करे थे पहले, है ना। उनका क्या होता था, वो एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार टेस्ट चेक करवाती थी डेली, टास्क वन एंड टास्क टू से लेके आके, है ना। तो उसके 7.5 ओवरऑल बैंड आया है। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर, मैंने इंटरव्यू भी उसकी की थी, और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करके मैं सिर्फ और सिर्फ डेली, मतलब इतने एक टास्क लेती थी डेली, या फिर एक आधा ब्रेक भी ले लेती थी बीच में, लेकिन मैं वर्क मिस्टेक्स के ऊपर ही करती थी, ठीक है। अगर आप एक टास्क लिखते हो, चेक करवाते हो, बैंड स्कोर आपको मिलता है, आप मिस्टेक्स पे वर्क करो फ्री टाइम में, और अगर उसके बाद भी फ्री टाइम आपके पास बचता है तो मेक श्योर टू रीड। रीड करने से देखो 2 बेनिफिट हैं, रीडिंग का तो होगा है ना, एक राइटिंग का बेनिफिट ये है कि आपको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे, प्लस ऐसे न्यू वर्ड्स मिलेंगे जो कि आगे जाके आप अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हो, एंड रीडिंग में तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। एंड रीड करने का एक और बेनिफिट ये है कि बजाय कि आप किसी और को पूछो कि क्या आइडिया भाई क्या आइडिया, आप खुद के आइडियाज जनरेट कर सकते हो, वो भी डिफरेंट। अगर मैं एक टास्क दूं 10 स्टूडेंट्स को, है ना, तो आप ये देखो कि कम से कम 8 या 9 बच्चे ऐसे होंगे जिनके आइडियाज ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, है ना। तो आप ही देखो, अगर कुछ डिफरेंट लिखोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा बढ़िया लगेगा ना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा है। मोर ओवर, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप लिखते हो, है ना, लेकिन अवेल्यूएशन कैसे करवानी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं से भी करवा सकते हो। हमारी भी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है मंडे से, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां पे आप अपने टास्क 1 एंड 2 लिखोगे, चेक करवाओगे। क्लासेस जिसने लेने वो तो अवेलेबल है ही है। टेस्ट सीरीज में क्या है कि आप चेकिंग करवा सकते हो दोनों टास्क की डेली, सेम डे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा विद प्रॉपर बैंड स्कोर एंड क्या क्या करेक्शन है आपकी। टेस्ट सीरीज में आपने जस्ट यही लिखना कि टास्क 1 टास्क 2 लिख दिया, आपका नेम लिख दिया, प्लस साथ में आपने एक चीज ऐड करनी है, टेस्ट सीरीज, और वो मुझे भेजना है, आपको चेक होके मिल जाएगा। मोर ओवर, अगर आप राइटिंग की क्लास ले रहे हो और आपको चेकिंग ही ना मिले, है ना, तो उसका तो बेनिफिट है ही नहीं, है ना। तो दैट्स वाई हमने सेपरेट चेकिंग के लिए भी, तो कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट, उनको ये होता कि हमारी इवेल्यूएशन ही हो जाए डेली, बस वही बहुत है। तो दैट्स वाई थोड़े से कम प्राइस पे आपको डेली अवेल्यूएशन मिल जाएगी, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो, इतना डीपली आपको कोई बताएगा नहीं, मेरे कहने का मतलब जस्ट ये ही है कि आप कम से कम टाइम में, है ना, अपना जो है क्लियर करो आयल्स, प्लस पैसे भी कम वेस्ट हो, टाइम भी कम वेस्ट हो, है ना। ये एक जो ऐसी चीज है ना जिसमें सच में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, और सच में सभी स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे SCIS की गलती हमेशा ही होती है, एक्टिव पैसिव की होती है, पोस्ट ऑफ ईयर्स की होती है, मतलब काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं, इज आर वॉज वर टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं। तो अपने बेसिक्स सुधारो पहले, और जो मिस्टेक्स आपको बताई गई हैं उसके ऊपर वर्क करो, डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। मिस्टेक्स सबकी एक ही रहती है कि अगर मैंने आज आपको एक चीज बता दी, अगर मैं कल को सेम चीज पूछूंगा या 2 दिन बाद सेम चीज पूछूंगा, तो 5 में से 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज पता नहीं होगी, दैट मीन्स उन्होंने दोबारा जाके घर पे वो देखी ही नहीं होगी, है ना। तो क्या है कि आप देखना स्टार्ट करो, जो आपके करेक्शन करी होती है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो कि भाई क्यों गलत है, ठीक है, कैसे उसके ऊपर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।